पुलिस जिला बटाला के गांव सेखिया में एक बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर की मृत्यु 7 अक्टूबर को हुई। दो दिन बाद राज खुला, वह मृत्यु नहीं वह हत्या का मामला है। मृतक बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर का बेटा विदेश में रहता है, जबकि उसका परिवार उसकी बीवी राजबीर कौर और बेटी सेखिया गांव में रहते हैं और जोगिंदर कौर भी उनके साथ रहती है। हुआ यहाँ था कि कुछ समय से बहू राजबीर कौर के नजायज संबंध गांव में रहने वाले अजय पाल से बन गए और इस बात का सास जोगिंदर कौर को पता था और जोगिंदर अक्सर अपनी बहू को अजय पाल से मिलने से मना करती थी। वहीं इसी के चलते 7 अक्टूबर की देर रात को राजबीर कौर ने अजय पाल से मिलकर अपनी सास जोगिंदर का गला दबा दिया। यह सब कुछ राजबीर कौर की खुद की बेटी हरमनदीप ने देख लिया। वहीं मां ने किए गुनाह को दबाने के लिए अपनी बेटी को धमकाया और कत्ल को मृत्यु का रूप दे दिया। वहीं दो दिन बाद पोती ने अपनी मां का गुनाह अपने चाचा को बताया और तब हत्या का राज खुला और सच सामने आया। राजबीर कौर मेरे मम्मा वा, मेरे पापा फॉरन रहिंदे आ, गुरविंदर सिंह असी सारे इत्थे रहिंदे आ, मेरी दादी भी इत्थे रहिंदे साडे नाल। ते अद्धी करा असी जिद्दन दादी जी दी डैथ होई आ उदन रात नूं ही सुत्ते पए सी। रात 1:30 बजे दा टाइम ही ते मैनूं जदों उहनां ने गल दबाया होएगा दादी जी दी चीक आई, मैं उठ के कमरे चों बाहर आई। जदों मैं वेख्या कि कोई मम्मा ने बाहां फड़ियां होईयां सी ते मुंडा जिहड़ा सी ओह धौण दबा रहा सी। मैं डरदी अंदर हो गई कि इन्हां ने मैनूं भी मार देना। मैं बाद च दरवाज़ा नहीं खोलिया, बाद च मैनूं नहीं पता वह करके चले गए, फिर मार के वह चले गए, बाद च नहीं आए। मैनूं डर सी कि जे मैं रौला पाया इन्हां ने मैनूं मार देना वा, तो मैं बाद च ही नहीं दस्सिया। मेरी मम्मा मैनूं धमकियां दिंदे कि जे तूं किसे नूं दस्सिया मैं तैनूं भी मार देना। मम्मा भी गलत ही, फिर उन्होंने रोकते ही किदा नहीं करना, तो वह फिर कहें कि मैंने तंग करते हैं, मैंने रोकते हर काम। तो जो मेरे जो ब्रदर हैं वो विदेश में रहते हैं, विदेश में काम करते हैं, और मेरे जो मदर थी वो इन्हीं के घर में रहते थे, हमारा साथ में ही सेपरेट घर है अपना। तो ये जो हमारी भरजाई थी इनका जो करेक्टर था वो सही नहीं था पिछले काफ़ी समय से। तो जो मेरे माता जी थे वो उनको इन कामों से रोकते कि ऐसा काम मत करो, इससे परिवार की इज्जत खराब होती है, घर की इज्जत खराब होती है। लेकिन जो मेरे भाभी जी थे वो इस बात को मानते नहीं थे, तो वो हमारे माता जी को अपने इस काम में अरोड़ा समझते थे, वो उनको हटाना चाहते थे। तो उन्होंने इसीलिए उनको उनकी ये मतलब ख़त्म कर दिया उनको। राजबीर कौर जो उसका घरवाला है वो रहता है बाहर विदेश में। राजबीर कौर के कुछ समय पहले अजय पाल से संबंध बन गए थे, नजायज़ प्रेम संबंध थे, जिसकी वजह से जो उसकी सास थी जोगिंदर कौर वो उसको रोका करती थी भी ऐसा मत करो। तो राजबीर कौर ने अपनी ये नजायज़ इसको समझते हुए इसको रस्ते से हटाने की कोशिश की थी। जब इसकी मौत हुई है इसने ये उजागर करने की कोशिश की भी ये इसका जो है नेचुरली मौत हुई है, बट जो उसका जोगिंदर कौर का बेटा है हरजीत सिंह उसने इसको गौर से देखा डेड बॉडी को, उसने उसको मन में शक हुआ इस रिगार्डिंग भी जो है माता की जो मौत है मेरी मम्मी की वो नेचुरल नहीं है, इसका कत्ल हुआ है। इसी दौरान उसने उसको जो उसकी भतीजी है हरमनप्रीत कौर उसने बताया कि मेरी मम्मी ने राजबीर कौर ने जो इसको अपने जिसके साथ जो संबंध थे अजय पाल सिंह उसको साथ में लेके और राजबीर सिंह को साथ में लेके इसका रात को गला घोट के इसकी कत्ल किया है। इस रिगार्डिंग हमने FIR नंबर 73-302 के तहत दर्ज की है, जिसकी अगली तफ्तीश जारी है। दोषी अभी हमारे हाथ नहीं आए, जल्दी वो हमारे हाथ लग जाएंगे।